भारतीय किसान यूनियन संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर अमरोहा प्रभारी एवं गन्ना व चीनी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता की तथा मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि अमरोहा दो दिवसीय दौरे पर पधारे गन्ना मंत्री एवं अमरोहा प्रभारी संजय गंगवार से किसान यूनियन संकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ किसानों की समस्याओं से गन्ना मंत्री से वार्ता की एवं उनको निम्न समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा तथा सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों व आवाम हित में लिए जाने वाले फैसले सराहनीय हैं, परंतु योजनाओं को धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का घुन लगा हुआ है, इसलिए निम्नलिखित सुधार की जरूरत। प्रदेश भर में घरेलू व ट्यूबवेल के विद्युत बिलों पर सरचार्ज समाप्त करते हुए ओटीएस स्कीम को लागू किया जाए, अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल कराया जाए। प्रदेश भर में विद्युत विजिलेंस टीमें छापेमारी कर आवाम व किसान का आर्थिक उत्पीड़न कर रही है। चेकिंग करने का अर्थ उपभोक्ताओं को मुख्य धारा में लाना है, न कि उनसे अवैध वसूली करना। छापेमारी के दौरान वीडियो क्लिप बनाकर अवैध उगाही का धंधा शुरू हो जाता है। जेई भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। विजिलेंस टीमों द्वारा केवल और केवल अवैध वसूली करी जा रही है। इन विजिलेंस टीमों को समाप्त किया जाए, क्योंकि जितनी जांच एजेंसियां बढ़ रही हैं, उतनी ही भ्रष्टाचारी बढ़ती चली जा रही है। किसानों को ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने में आने वाले लगभग 5,000 प्रति नलकूप के बेवजह खर्च को खत्म कर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर ही मीटर लगवाकर ऊर्जा खपत का आकलन किया जा सकता है। संगठन मांग करता है कि किसी भी ट्यूबवेल पर मीटर न लगवाए जाएं तथा बसपा सरकार में बंद हुई अमरोहा चीनी मिल का संचालन कराया जाए तथा छुट्टा पशुओं से निजात दिलाएं, जो कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ से हैं। आज यहाँ सरकार के राज्य गन्ना मंत्री संजय गंगवार जी आए हैं। उनके समक्ष हमने जनपद और प्रदेश की तमाम समस्याओं को रखा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो विजिलेंस टीमें छापे मारकर किसानों की उगाही कर रही हैं, उन टीमों को समाप्त कराने की बात करी है। जंगल के साथ साथ अब किसानों को और आवाम को जो गौवंशीय आवारा पशु हैं, उनसे मौतें भी हो रही हैं, उनके स्थायी समाधान की बात करी है। अमरोहा चीनी मिल जो 2012 से बंद है, आज तक नहीं चली। हसनपुर चीनी मिल, जिसके लिए 5 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय आश्वासन दे गए थे विस्तारीकरण का, उसका बजट नहीं हुआ। उन सबको चालू करा के गन्ना किसान को आगे बढ़ाने की बात कही है। जब तक आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य गन्ना मंत्री गन्ना विकास श्रीमान संजय गंगवार जी यहाँ आए हैं, उनको हमने प्रदेश और जनपद के किसानों की समस्याओं के विषय में अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से 24 साल बनने के बाद भी अमरोहा के अंदर अमरोहा विकास प्राधिकरण नहीं बन पाया है। मेरे किसान को और आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए दूर 70 किलोमीटर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में जाना पड़ता है। मैंने मांग की है कि अमरोहा विकास प्राधिकरण बनने के बाद जनपद का औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा और मेरे किसान और आवाम को भला होगा। हम चाहते हैं कि तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अमरोहा विकास प्राधिकरण बनाने की बात करें। हमारे प्रदेश का ट्यूबवेल का किसान हो या घरेलू उपभोक्ता हो, वो एक वर्ष के अंदर बिल जमा करता है और विगत वर्षों में भी ओटीएस स्कीम आती रही है। हम मार्च से लेकर अप्रैल तक बिल भुगतान करना चाहते हैं। सरकार ने आज तक ओटीएस योजना लागू नहीं की है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार ओटीएस योजना लागू कर दे, जिससे हम पूरे के पूरा बिल भुगतान कर सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ से हैं। हमारी सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए तक ब्याज में 3% सब्सिडी देने के लिए रखा है, जिससे मेरे किसानों का लाभ हुआ है। परंतु हम चाहते हैं कि इस 3 लाख की लिमिट को कम से कम 10 लाख किया जाए। जब सरकार उद्योगपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज मुक्त कर सकती है, तो हमारी सरकार से मांग है कि एक बार देश के किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और 10 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्डों पर जो किसान टाइमली एक वर्ष के अंदर रिन्यूअल करता है, तो उसका ब्याज सरकार भरे। क्योंकि अन्नदाता हार्ड पसीने की कीमत लगा के अपने खून पसीने से सींच के राष्ट्र हित में काम करता है। ये यदि काम हो जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।